like, share and subscribe TBT. Don't forget to press the bell icon. Hello everyone, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और रख रहे होंगे अपना ढेर सारा ख्याल। टीबीटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज टीबीटी एक देसी रेसिपी लेकर आया है। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी है। आलू और परवल की एक सिंपल सी सब्जी जो नॉर्थ में शादियों में ऐसे बनती है, आलू परवल की सब्जी, और ये बहुत ईजी है बनाना। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाई है हमने। और यहाँ पर देखिए, एक बड़ा आलू काट लिया है हमने और एक प्याज है और ये परवल है। आप अपने परिवार के हिसाब से जितनी क्वांटिटी लेना चाहें उतना ले सकते हैं। आलू परवल की सब्जी जो है वो देसी स्टाइल में बनाने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल डालेंगे तभी तो एक देसी पन आएगा। सरसों का तेल जो है रिफाइंड ऑयल से बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और रिफाइंड ऑयल को केमिकल के द्वारा एकदम पतला कर दिया जाता है उसको बिल्कुल, और उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। तो यहाँ हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है और यहाँ हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे ये पंचफोरन। पंचफोरन में मेथी, जीरा, अजवाइन, मंगरेल, सौंफ, ये पांच चीज़ें जाती हैं और ये सब्जी को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगी। पंचफोरन जो है अच्छी प्रकार से हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। और इसको थोड़ी देर के लिए भून लें। अब यहाँ पर जो है हमारी प्याज पक चुकी है जितनी हमें चाहिए, बहुत इसे भूनना नहीं है, हाफ डन हो गई है प्याज। तो अब हम इसमें आलू और परवल दोनों एक साथ ही ऐड कर देंगे। कुछ लोग परवल और आलू को तेल में फ्राई करते हैं इसके बाद बनाते हैं उसकी सब्जी, लेकिन यहाँ पर हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्दी वे रखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। तो यहाँ पर देखिए हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं इसमें। पेस्ट नहीं है, दरदरा ही इसको हमने कूट लिया है। बस अब इसे हमें ढक के पकाना है। जब तक ये सब्जी पकती है तो चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। देखिए हमारी सब्जी जो है कितनी अच्छी प्रकार से यहाँ पे पक रही है। और अब बारी है टमाटर और मसाले ऐड करने की। वैसे तो गांव में लोग सिलबट्टे पर फ्रेश मसाला पीस कर ये सब्जी बनाते हैं, लेकिन अभी यहाँ तो सिलबट्टा है नहीं, तो अभी ये हमारे पास है पिसी हुई धनिया, ये देखिए इतना ले लिया है हमने, और हल्दी, और इसमें नमक भी डाल देंगे। जितना आपका टेस्ट है उस हिसाब से ही नमक डालिएगा। और ये तीखी लाल मिर्च, हरी मिर्च भी डालेंगे उसमें हम लोग, लेकिन वो लास्ट में।
और ये है हमारे पास घर का पिसा हुआ मसाला, सारे मसालों को मिलाकर पिसा है ये, इतना सा बस। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। डायरेक्ट इन मसालों को आप सब्जी में ना डालें, पानी में मिक्स करके ही डालें तो अच्छा टेस्ट आएगा। इधर हमारा मसाला तैयार है, तो चलिए एक बार सब्जी चेक करते हैं। और ये देखिए, अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर और मसाले। यहाँ पे हमने एक टमाटर लिया है और एक हरी मिर्च जिसे बीच से काट कर उसे थोड़ा मोटा ही रखा है, बहुत छोटा नहीं काटा है, तो ये डाल देंगे। और ये जो मसाला हमने बनाया था ये देखिए, ये डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं, फिर इसको अच्छे से पकने देंगे। कलर देखिए, अभी सब्जी पूरी बनी भी नहीं है और कलर कितना अच्छा आ गया। और ये थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले और जो टमाटर हमने ऐड किया है वो अच्छी प्रकार से पक जाए। बस अगर ये सब्जी देखकर आपको इसे खाने का मन कर रहा है तो प्लीज़ इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसे ढक देते हैं और अच्छी प्रकार से पकने देते हैं। सब एक दूसरे में अच्छी प्रकार से रच बस जाएं और सब्जी का टेस्ट जो है वो बढ़ जाए। इसे हमारे यहाँ कहते हैं आलू परवल की लटपट सब्जी। लटपट यानी बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लटपटा सा रखना है इसको बस। अब ये 3 से 4 मिनट में अच्छी प्रकार से पक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा आलू परवल लटपट बनकर तैयार हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। इसे आप रोटी, पराठे, पूरी या राइस के साथ भी खा सकते हैं। आपने कितना इजीली ये रेसिपी बन गई। और इस रेसिपी को आप अपने तरीके से मॉडिफाई करके बना सकते हैं, जैसे कि प्याज टमाटर का पेस्ट बना सकते हैं। प्याज टमाटर हर सब्जी में हम लोग डालते हैं, लेकिन उसका भी अलग अलग तरीका है और अलग अलग तरह से डालने पर वो टेस्ट भी अलग आता है। जैसे अगर आप किसी सब्जी में प्याज का पेस्ट डालते हैं तो उसका अलग टेस्ट आएगा, प्याज को कट करके डालते हैं तो उसका अलग टेस्ट आएगा। तो ऐसे ट्राई करिएगा, या आप जैसे चाहें पेस्ट बना के डालना चाहें तो वैसे ट्राई करिएगा। और ये सब्जी अगर आपका खाने का मन कर रहा है तो इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसी तरह हम अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। हे एवरीवन, यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लाइक अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन ट्विटर, फॉलो अस सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।